अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का मौजू अहम मौजू है जिस पर तबसरा बहुत ज़रूरी है। सूद की नौसत किस हद तक मुस्लिम माशरे में अंदर तक दाखिल हो चुकी है, इसका महज अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। आज जिस मौजू पर जिक्र हम कर रहे हैं उसकी शुरुआत तो गांधीनगर में 40 लाख रुपये लेकर भागने के बाद जिस तरह से वहाँ पर जो बर्तन मांजने वाली या फिर मजदूर पेशा खवातीन के सामने एक तरह का एक सवाल खड़ा हुआ है, तो आज उन्होंने एसीपी नारायण बर्मन साहब से भी उन्होंने मुलाकात की। साबिक कारपोरेटर फहीम नाइकवाड़ी भी उस वक्त उनके साथ मौजूद थे। लेकिन ये सिर्फ इस पर ये गांधीनगर के हद तक मामला नहीं है, बल्कि अक्सर मुस्लिम मोहल्लों में ये वारा वारा की नहुसत पहुंच चुके हैं और काफी अरसे से इस पर तस्करा होता है। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार? क्या जमात जिम्मेदार नहीं है? क्या जमात के जिम्मेदारान जिम्मेदार नहीं है? आखिर ये लोग आते कहाँ से हैं? ये पैसा लाते कहाँ से हैं? और ये सूद की नहुसत को, इस माशरे को मुलव्विस करने के पीछे क्या साजिश है? इस पर भी सोचना बहुत जरूरी है। मुस्लिम माशरे पर कितना भी अफसोस करे कम है। आप कहाँ कहाँ तक इस माशरे की पस्ती का जिक्र करेंगे? शायद ही कोई शोभा बचा हुआ था जिसमें मुस्लिम माशरे पस्ती की दलदल में धसता ना जा रहा हो। अब रोजाना हालत तब्दील हो रही है, सियासी समाजी माशी हालात किस दिशा किस सिमत में जा रहे हैं इस पर भी बारहा तबसरे किए जाते हैं। सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि आखिर मुसलमानों पर हालात क्यों आ रहे हैं? आखिर दीनी सियासी रहनुमा खामोश क्यों हैं? अगर सही कहा जाए तो सिर्फ अल्लाह की रहमत ही इस माशरे को बचा सकती है, क्योंकि कहीं पर कुछ तसल्ली बख्श नजर नहीं आ रहा। हर लम्हा हर वक्त मुखालिफ खबरों को सुन सुनकर अब दिलो जहन इस बात का आदि होता जा रहा है। आज फिर मुस्लिम समाज की पस्ती का तस्करा इसलिए जरूरी है क्योंकि मुस्लिम समाज पूरी तारीख इस्लाम के जिल्लत के दौर से गुजर रही। क्या शान शौकत इस माशरे की? किस तरह दुनिया को अम्र बिल मारूफ की तलकीन की? कैसे हुकूमतें रही? शानदार तारीख से किताबों के औरात भरे पड़े हैं। अब जब हालात आ रहे हैं तो मुस्लिम समाज की हकीकत को भी समझना जरूरी है। महज कुछ वाक्य बेलगाम शहर में देखे गए जिससे इतना यकीन हो जाता है कि मौजूदा हालात के लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। मुस्लिम मोहल्लों में सूद की नहुसत किस इंतहा तक पहुंची हुई है इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। खैर, इस मौजू के लिए वारदात भी कुछ इस तरह वजह बनी। गांधीनगर के मदीना गली में फंड सोसाइटी के नाम से वही वारा वारा कुछ लोग दाखिल होते हैं, फिर कुछ रुपये सिर्फ खवातीन को दिए जाते हैं। इस बात को जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि सिर्फ खवातीन को दिए जाते हैं। फिर 2 साल के लिए 1 साल के लिए कुछ रुपये देने के बाद हफ्ते में कुछ दिन मुकर्रर किए जाते हैं, वसूली घरों तक पहुँच कर की जाती है। सूद को कमीशन का नाम दिया जाता है। लिहाजा आज कुछ खवातीनों ने एसीपी बर्मन साहब से मुलाकात की और अपनी फरियाद को दर्ज किया। हासिल इत्तला के मुताबिक तकरीबन 40 लाख के करीब रुपये लेकर एक खातून जो जिम्मेदार थी गायब हो चुकी है। अब इस मामले के बाद मदीना गली के अक्सर घरों में मियां बीवी के झगड़े होने की खबर भी हासिल हुई। इसे महज एक वाकये के तौर पर न लिया जाए, क्योंकि साजिश को कहां तक अंजाम देने में दुश्मन कामयाब होता दिख रहा है इसे समझना जरूरी है। गांधीनगर जहां अक्सर मुसलमानों का गरीब तबका रिहायश पसीर है, अक्सर मुसलमानों के इलाके नेगेटिव प्रोफाइल रहते हैं, जाहिर है बैंकों से लोन मिलना मुमकिन नहीं रहता, लिहाजा किसी तरह से अपनी जरूरत को पूरी करने की जद्दोजहद में गरीब तबका रहता है। सिर्फ आधार कार्ड की बुनियाद पर 50,000 से 1,00,000 रुपये तक सोसाइटी फंड के नाम से कर्ज दिया जाता है। फिर यही लोग हफ्ते में मुख्तलिफ गिरोहों का कर्ज की किश्त वसूलने जाते हैं। किसी के घर में या घर के छत पर तमाम मोहल्लों की खवातीन जमा होती है, और सिर्फ गांधीनगर ही नहीं बल्कि अक्सर मुस्लिम मोहल्लों में एक गैर मर्द दाखिल होकर अपनी स्कीम चलाते रहते हैं। इतना यह भी हासिल हुई है कि जब कर्ज अदा नहीं कर सकते तो रुपये वसूल करने के लिए दिगर रास्तों का भी अख्तियार किया जाता है। अब इसे क्या कहा जाए? घर के मर्दों की इजाजत के बगैर इस तरह खवातीन मामलात में मुलव्विस होना कैसे माशरे की निशानदेही करते हैं? ताज्जुब इस बात का भी होता है कि मुस्लिम समाज में सूद की नौसत किस इंतहा तक दाखिल हो चुकी है। खासकर औरतों का इसमें मुलव्विस होना क्या पैगाम देता है? क्या माशरे पर अब किसी का भी कंट्रोल नहीं रहा? जमात जमात के जिम्मेदारान या फिर घरों में मर्दों का भी नहीं रहा क्या? ऐसे सवाल भी उठना लाजिम हो जाता है। गली मोहल्ले की जमातों का फिर क्या किरदार रहा, क्या रोल रहा? मतलब मुस्लिम मोहल्लों में कोई गैर मर्द किसी स्कीम को लेकर दाखिल होता है और बरसों तक सूदी निजाम चलाया जाता है जिसमें मोहल्ले की खवातीन कसरत से शरीक रहती है, और फिर कुछ हो जाता है तो सिवाय अफसोस तस्करे मुबासे बहस के क्या कर पाते हैं? सूद के बारे में कितनी हिदायत दी गई है? सूद लेना देना गोया अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के बराबर कहा गया, लेकिन अक्सर मुस्लिम समाज इस नहुसत में मुलव्विस है। गैरों की साजिशों को कहीं तो भी हम सब इसी सूदी निजाम के जरिए मदद करते हुए पाए जा रहे हैं।
बड़े बड़े इदारे तंजीम यहां तक के दीनी मदारिस मस्जिदों के अकाउंट बैंकों में, जहां अकाउंट में लाखों रुपए रखे जाते हैं जिसका सूद तो मुसलमान नहीं लेता, लेकिन वही पैसा बैंकों से बाहर जाता है और फिर हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाता है। अब तो अकाउंट को सीज भी किया जा रहा है, तो लाखों करोड़ों रुपए हुकूमत के पास जाते हैं और फिर वही से फिरका परस्त तंजीमों को इमदाद की जाती है, ऐसा भी कहा जाता है। अब तो माशरा ऐसा बना हुआ है कि अगर किसी का बैंक अकाउंट नहीं है तो उसे हिकारत से देखा जाता है, क्यों ना मदारिस तंजीम इदारों के पैसों को माशरे की फला बहबूदी के लिए खर्च किया जाए, क्यों ना स्कूल कॉलेजेस या दिगर भलाई कामों में इन रुपयों को लगा दिया जाए। बैंकों में रखने से जाहिर है किसी और को फायदा और इससे भी आगे बढ़कर समाज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। अगर मौजूदा हुकूमतों का जायजा लिया जाए तो सूदी निज़ाम की बुनियाद पर ही ये फूलते फलते हैं। अब मुसलमानों में भी सूद को गलत ना बोलने का रुझान ज़्यादा हो गया है। इतना तो ये भी हासिल है कि मौलानाओं को पहले से ही बताया जाता है कि सूद पर जुमे का खुतबा ना दिया जाए, क्योंकि जिम्मेदारान ही इसमें मुलव्वस होने की बात कही जाती है। खैर, अब असल बात यह है कि अगर पूरा माशरा तबाही की कगार पर खड़ा है और इसे एहसास ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं और किस बात पर हम रो रहे हैं कि जुल्म पर हो रहा है? आखिर हमने कौन सी कसर छोड़ी है जो आसमान से फरिश्ते रहमत नाजिल करे? आजम नगर में 15 साल की मुस्लिम लड़की के साथ ज्यादती करने की हिम्मत गैर दूध वाला तभी कर सकता है जब माशरे का एहसास मर चुका होता है। ये समाज खुद मर चुका है, ये खोखला है, नबी की मोहब्बत का महज ढोंग है और रस्मी तौर पर लाखों रुपए खर्च करके मोहब्बत का इजहार करता है। डीजे के बगैर इसकी ईद शादी ब्याह इजलास नहीं होते। फिर कहने को हमने बदर हुनैन करबला देखे हैं कि बयानबाजी करते हैं, हमें कोई हक नहीं है कि उन असलाब का पाकीज़ा नाम अपनी जबानों से लेने का। बेलगाम शहर में अक्सर मुस्लिम नौजवानों की जबानों पर सिवाय गाली गलौज के कुछ नहीं रहता। अखलाक की पस्ती की इंतहा को हमने पार कर दिया है। हालात आते हैं तो बिल्कुल बिल्ली की तरह छिप कर बैठ जाता है, पर आपस में अगर कुछ अख्तलाफ होते हैं तो शेर बनकर बाहर निकलता है। खैर, जिस तरह सूदी निज़ाम गली मोहल्ले के दरवाजों को दस्तक देकर अंदर दाखिल हो चुका है, तो बहुत मुश्किल है कि इस समाज का बचना। चिट्ठी, बीसी या फिर सोसाइटी के रुपए लेकर भागना भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन सूद की नौसत में जाने अनजाने में हर फर्द, हर खातून, हर मर्द मुलव्विस हो रहा है। तो क्या दीनी सियासी रहनुमाओं की जिम्मेदारी नहीं? क्या अवाम उलमा को और उलमा अवाम को ही जिम्मेदार ठहराते रहेंगे? फिर इस माशरे की सलाह कैसे होगी? जिस पर संजीदगी से सोचना होगा, वरना इस माशरे की तबाही आंखों से देखने का वक्त ना आ जाए। बस यही दुआ करते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हमें न्यूगंज नगर मदीना गली से आई और शहनाज नाम की एक औरत हमारे गली में रहती थी 15 साल से, और सब जने का ग्रुप बना को 5-5 जने को ऐसा पैसे दे दिए, कार्ड को लेती थी वो, हमने 2000 देती, 3000 देती घर को, और अचानक उन्हें 10 साल से हम कार्ड को देते थे उसे, अचानक भरोसे पर हमें दिए, हमें मालूम नहीं था 80 पे 5 लोगों का पैसे कार्ड को ली कर को 5-5 लोगों का 5-5 लोगों का पटा को कार्ड को ली नहीं, और अब 8 दिन में भाग को गई। अच्छा, और सरा हमने घर में आपको बैठ को टॉर्चर कर रहे हैं, मतलब जो फाइनेंस वाले हैं। हाँ, फाइनेंस वाले कंप्लेट कर दें तुम्हारे नाम को और तुम्हें पैसे भरना चाहे ऐसा वैसा करके डेली आपको हमने सता रहे हैं। अब ये कुल कितने लाख का है मामला? ये 40 लाख है। तो आपसे पैसे लेकर आपको कमीशन देकर, हाँ, बाकी के पैसे उनके अकाउंट में जाते थे? कमीशन मतलब उतना, दो एक बार बैठ के, एक बार बैठ के सिग्नेचर ली है, दूसरी बार उन्हें 3-4-5 ऐसा करके लोना निकाली है वो। हाँ। मतलब हम ना बोलने वाले तुमना लोन बड़ा होना रहे तो आपको तुमने थम लगाओ उसके बाद मैं बात करके तुमने बड़ा लोन दिला देता हूँ और छोटा लोन अभी 8 दिन में आता, सिर्फ यही बोल को थम लगा को ली उन्हें, और जैसा हमें साइन रात को आपको साइन कर पैसे दो अगर को बोल को आप साइन करके आप पैसे लिए सारा। हमने एक दिन भी नहीं पूछा कि आप तुम्हें तुम्हारे पैसे इतने है कर दो। अभी राज बाहर निकलने के बाद पता चला के सरा एक दूसरे के उनकी सेटिंग है। अच्छा, तो हमारे दुकान हमारे लोग पैसे ले रहे वो, हर एक हमारे गांधीनगर में
एक आदमी रहता है भी वहाँ जाको तो हम लोग उनके अकाउंट में पैसे जमा करता हूँ। अच्छा जो भाग कर गई वो औरत का नाम क्या है? अच्छा अब वो नहीं है मकान नहीं है वो आठ दिन से ढूंढने लगे में से वो क्या मिलने लगी ने काम गई उनकी उनकी बेटी है उनकी बेटी जो मेन रायबीन बोल के उसकी बेटी है हमारे साइन देख के बराबर दूसरे दिन वही साइन करी जाली जाली साइन करी। आज जो हमारे लेडीज यहाँ पर मौजूद है न्यू गांधी नगर के हम सब लोगों ने कल या परसों मेरे घर पर आए थे। वारा वारा का जो लफड़ा है इनके नाम पर जो दूसरी औरत पैसे निकाल कर फरार हो चुकी है तो वारा वारा के सर लोग इनके घर पर जाकर इन्हें हरेशमेंट कर रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों ने मेरे पास आने के बाद मैंने इनको साथ में लेकर मधुमनी साहब के ACP साहब के ऑफिस पर आकर एक नॉमिनल कंप्लेंट रखा है क्योंकि हरेशमेंट नहीं होना क्यों कुछ भी हो सकता है। इसलिए औरतों का साथ कोई देने वाले इनके खुद के शोहर भी इन पर नाराज़ हैं क्योंकि तुम ये किसे पूछ कर करे ऐसा करे वो औरत इनको चीट कर कर चली गई है ऐसा नहीं होना इनके साथ कोई तो कोई रहना चाहिए। इसलिए मैं मेरा अपने जात से मैं खुद आकर इनका साथ दे रहा हूँ। इंशाल्लाह ये मामला जल्द से जल्द निपट जाएगा। बरमनी साहब पर बड़ा भरोसा है कर देंगे इंशाल्लाह।